हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जीतू सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है जीतू फंड टैग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो लेबर काम करती है, जो श्रमिक काम करते हैं, उनको नरेगा जो का जो सॉफ्टवेयर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि अपना नरेगा .nic.in है, उसके द्वारा ही उनको रोजगार दिया जाता है। उनके द्वारा काम की मांग किए जाने पर मस्टोल जनरेट करके, और मस्टोल जो फील्ड में चलती है, उसी में प्रत्येक लेबर के जॉब कार्ड के अनुसार जो लेबर होती है, उसमें उनके अकाउंट नंबर फ्रीज होते हैं। अकाउंट नंबर के द्वारा ही उनको भुगतान किया जाता है, आधार माध्यम से हो या डायरेक्ट अकाउंट नंबर से हो, उनको भुगतान किया जाता है। तो कईयों बार क्या एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे सॉफ्टवेयर पे अलर्ट्स आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वो कहाँ से देख सकते हैं हम कि जॉइंट खाता होता है कईयों लेबर का, जैसे एक जॉब कार्ड में दो लेबर है, तीन लेबर है, चार लेबर है, उनमें से दो लेबर के सेम अकाउंट नंबर होते हैं, जिनको हम जॉइंट अकाउंट बोलते हैं, वो हम कहाँ से देख सकते हैं और उन अकाउंट नंबर का पता कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको आज देखना बताऊंगा कि हम उसको कहां से देख सकते हैं और उसका कैसे समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले जो यूज़फुल वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके दोस्तों, चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कि नरेगा की वेबसाइट ओपन है, जो फर्स्ट हमारे पास जो पेज आता है nrega.nic.in टाइप करने पे, तो उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ओल्ड वर्जन पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जो आपको ये देख रहे हैं कि ये MIS रिपोर्ट है, इस MIS रिपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ये MIS रिपोर्ट का ये ओपन हो चुका है, अभी हमारे से यहाँ पूछ रहा है प्लीज सॉल्व 37-6 इतने हुए 31। ओके, वेरीफाई कोड, यहाँ से हमें वित्तीय वर्ष चूज करना है, क्योंकि करंट वित्तीय वर्ष ही चूज करेंगे हम। और यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है, जो भी आपका स्टेट हो, जैसे कि मैं राजस्थान चूज कर लेता हूँ। अभी इस तरीके का पेज हमारे सामने शो हो जाएगा, उसमें जो ये आपके फर्स्ट आएगी R1 पॉइंट बेनिफिशियरी डिटेल, इसमें हमें देखना है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट है, सब पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें सेकंड पॉइंट का जो सब पॉइंट ये टू वाला है, जॉइंट अकाउंट डिटेल, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे पूरी पंचायत की जॉइंट अकाउंट डिटेल, जितनी भी लेबर है उनकी मिल जाएगी, और यहाँ पे जॉइंट अकाउंट डिटेल फॉर एक्टिव वर्कर्स, तो एक्टिव वर्कर का ही देखना सही रहेगा, क्योंकि वही वर्तमान में काम करते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, अब हमें वापस अपना स्टेट चूज करना है, जैसे कि मैंने पहले राजस्थान चूज किया था, ये वापस राजस्थान पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप पूरे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट ओपन हो चुके हैं, आपके 33 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, जिसमें आप जिला चूज कर सकते हो, जिस जिले से आप हो। ओके, मैंने बूंदी भी क्लिक कर दिया। अब बूंदी जिले के अंतर्गत जो पंचायत समितियां हैं वो ओपन हो चुकी हैं। बूंदी जिले में 5 पंचायत समिति हैं, उसमें भी मैं बूंदी पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये बूंदी के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 30 ग्राम पंचायतें ये ओपन हो चुकी हैं। इसमें फर्स्ट आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, सेकंड ये पंचायत दिख रही है, जो है ये पंचायत समिति बूंदी के अंतर्गत जो पंचायतें हैं उनके नाम है। ये नंबर ऑफ एक्टिव बैंक ज्वाइंट अकाउंट की डिटेल दिख रही है, नंबर ऑफ एक्टिव पोस्ट ज्वाइंट अकाउंट, जो पोस्ट ऑफिस में किसी के अगर अकाउंट फ्रीज हो तो ज्वाइंट अकाउंट उसमें
उसकी डिटेल यहाँ पे दिखेगी आपको। पर अभी के समय में यानी पोस्ट ऑफिस का भुगतान नरेगा साइट पे शायद नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे अजेता में एक जॉइंट अकाउंट है, ये एक का मतलब एक नहीं है, ये बैंक की संख्या भी हो सकती है और लेबर की संख्या भी हो सकती है। जैसे मैं आपको इस पर क्लिक करके बताता हूँ, अजेता में एक की ओर आए, यहाँ पे इसके अंदर एक तीन है, अभी तीनों एक ही बैंक के हैं और तीन लेबर हैं एक ही जॉब कार्ड के। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये 0558 जॉब कार्ड है, इसमें दो लेबर हैं, दोनों के सेम जो अकाउंट नंबर सेम है। और जैसे ये 0588 है, इनके अकाउंट नंबर सेम है, 0082 हैं, 0082 हैं, इनके अकाउंट नंबर सेम है। अब आपको यहाँ से, अब आप मुझे कमेंट करते हो हमेशा, अभी आपका कमेंट बन पाएगा क्योंकि आप पूछोगे मेरे से कि हम इसके अकाउंट नंबर कैसे देखें। तो पहली बात तो जैसे कि आपके जॉब कार्ड आए, कोई सा भी ले लीजिए एक, जैसा मैं फर्स्ट ही ले लेता हूँ 0558, आपको इसको पूरा कॉपी करना है। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया, ओके, पंचायत है ये अजेता। अब हमें वापस यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाएंगे हम वापस, इस पे ओल्ड वर्जन पे क्लिक करेंगे। ओल्ड वर्जन पे क्लिक करते हमें जाना है वहाँ अपने स्टेट पे, स्टेट पे जाके हमें जाना है अपने राजस्थान पे। राजस्थान स्टेट ओपन हो चुका है। अब उसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट चूज किया था बूंदी, बूंदी में ब्लॉक पंचायत समिति चूज की थी हमने बूंदी, ईयर 19-20 है। अब बूंदी के अंदर पंचायत कौन सी हमने देखी थी, फर्स्ट अजेता, जो भी आपकी पंचायत हो आप चूज कर सकते हो। उसमें जो ये फर्स्ट पॉइंट है जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, इसमें ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कास्ट वाइज प्रिंट इश्यू जॉब कार्ड, ये हमें कुछ नहीं देखना, ये हमने ये देखना है जॉब कार्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये जॉब कार्ड की अजेता के पूरे जॉब कार्ड की डिटेल, जितने भी जॉब कार्ड हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमें यहाँ दबाना है कंट्रोल F, जिससे ये फाइंड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमने जो वो जॉब कार्ड वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको आप कंट्रोल प्लस V से भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये सर्च हो चुका है, ये जॉब कार्ड हमारा सर्च हो चुका, 0558 पंचूलाल, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये जॉब कार्ड हमारा ओपन हो चुका है। इसमें सुमित्रा और सुमित्रा दो नाम है, ये दोनों के जॉइंट अकाउंट हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये हमने कहाँ से देखा था, ये जैसे सुमित्रा और सुमित्रा दोनों के डबल जॉइंट अकाउंट है। यहाँ से हमें इसके अब डाउन जाना है, लास्ट में आ जाना है। ये सुमित्रा और सुमित्रा का हमें अपना अकाउंट नंबर चाहिए, तो दोनों का जॉइंट अकाउंट है, सेम अकाउंट नंबर होगा, इसलिए वहाँ पे उस चेक पॉइंट पे शो हो रहा है ये। तो हमें ये वेजिस्ट खोलनी है यहाँ से, ये देखिए ये मस्टोल नंबर है, तो मस्टोल नंबर पे हम क्लिक करेंगे 6239, इस पर जैसे हमने क्लिक किया ये ओपन होगी 6239। अब हमें यहाँ देखना है 6239 कहाँ पे, ये है ये वाली। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये रहा 0558 पे ये आ चुका है सुमित्रा। अब इसका ये है वेजलिस्ट नंबर, इस वेजलिस्ट नंबर को हमें या तो कॉपी करना है, और कॉपी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको मुँह ज़बानी याद रख लीजिए, ये 5234 है, यानी 5234 नंबर है, और ये 19-20 में इन्होंने काम किया है वित्तीय वर्ष में, ये 5834 है। अब आपका यहाँ पे अगर आप महात्मा गांधी नरेगा योजना में एम्प्लॉय हो और अपना नरेगा का जो वेबसाइट है उस पर पोर्टल है उस पर अगर लॉगिन कर सकते हो आप लोग स्तर से,
तो आप इसका भी वेज लिस्ट नंबर वहाँ से खोल के देख सकते हो कि इस लेबर का क्या अकाउंट नंबर है। और दूसरा, अगर आपके पास वेज लिस्ट प्रिंट आउट है, इस मस्टोल के साथ लगा हुआ है, मस्टोल नंबर आपको मिल ही चुका है, वेज लिस्ट नंबर मिल ही चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और वैसे भी अगर नहीं देख पाओ, तो अगर आप मेट हो तो आपके पास जो का नंबर है 0558 मस्टोल नंबर है आपके पास, जैसे कि ये गांव है अजिता का, एक गांव है रामपुरिया धोला का, उसकी ये लेबर है, आप इससे पर्सनली भी पूछ सकते हो कि भैया आपका ये सुमित्रा और सुमित्रा पे कौन से नंबर अकाउंट नंबर अपडेट है। आप उनको जब मस्टोल एमआई सोने जाएगी तो वहाँ पे ब्लॉक स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे सूचित कर सकते हैं कि ये जॉइंट अकाउंट है, आप इनको चेंज कर सकते हो, हम इनको चेंज करवाना चाहते हैं। लेबर से आप इसकी डायरी की जेरोक्स ले लो, जो कि इनका सही अकाउंट नंबर हो दोनों के, वो आपको ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति स्तर पे उपलब्ध करा के इस अकाउंट नंबर को चेंज करा सकते हो। और अब मैं आपको, अगर आप लॉगिन कर सकते हो अपनी नरेगा पोर्टल के वेबसाइट पे, आप अगर कोई एम्प्लॉई हो तो आप यहाँ से इसको हटा दें, आप जैसे कि ये अपना नरेगा पोर्टल आपने खोल दिया, ये खुला हुआ है, अगर आप इसके एम्प्लॉई हो, फिर बोल रहा हूँ अगर आप एम्प्लॉई हो, आपके पास लॉगिन पासवर्ड है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये इस प्रकार से ये ब्लॉक स्तर की लॉगिन ओपन होगा। यहाँ से आप इसको वेज लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, वेज लिस्ट में आप व्यू वेज लिस्ट कर सकते हो, व्यू वेज लिस्ट में वेज लिस्ट नंबर कौन सा था, 5234, व्यू वेज लिस्ट पे क्लिक किया, जैसे फाइनेंशियल ईयर आपको चूज करना है 19-20, इसीलिए मैंने बोला था कि लेबर ने 19-20 फाइनेंशियल ईयर में काम किया है, 19-20 चूज कर लिया। अब हमारी वेज लिस्ट नंबर कितना था, 5234, 5234, ओके 5234। ये 5234 आ गया आपका। आपका इसमें जॉब का नंबर है 0558 सुमित्रा। यहाँ पे हमें वापस वो करना है कंट्रोल प्लस F 0557 जीरो एट, सॉरी 78 0558 सुमित्रा। ये आपका ये अकाउंट नंबर आ चुका है। और ये कौन से बैंक का है ये मैं बता देता हूँ आपको, ये अपने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण और अजिता में ही है ये बैंक, वहाँ का बैंक है ये। आप इस तरह से इनकी जॉइंट अकाउंट की डिटेल्स का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास लॉगिन नहीं कर सकते हो, तो जैसा मैंने अभी बताया, आप मेट हो तो आपसे लेबर से आपका डायरेक्ट संपर्क होता है, तो आप लेबर से उनकी दोनों की बैंक की डायरी की जेरोक्स ले सकते हो। जैसे इसमें आधार कार्ड भी अपडेटेड नहीं है, इसके आधार कार्ड की जेरोक्स भी ले सकते हो। उनको आप कलेक्ट करके पंचायत समिति हो जो, या ब्लॉक आपका पंचायत समिति जो ब्लॉक जो हो, उसमें आप वहाँ पे जाके उनके वहाँ के कर्मचारियों को आप दे सकते हो कि हमारा ये आधार और ये बैंक की डायरी हमें अपडेट करवानी है, क्योंकि इस लेबर का जॉइंट अकाउंट है, इसलिए हमें बैंक की डायरी की जेरोक्स साथ में लगा रहे हैं मस्टोल के भी, और उनको भी बोल सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि ऐसे ही मेरे यूज़फुल वीडियो जो आने वाले हैं और भी, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को दोस्तों जाते जाते लाइक करना ना भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।